दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 247 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं क्वीन रेंक्सु को, जहां पर क्वीन रेंक्सु टेंशन से कहती है कि टेंशन तुम मेरे दिल की कमजोरी होने के साथ में मेरे लाइफ लॉन्ग अपोनेंट भी हो। वही हम देखते हैं कि अब क्वीन रेंक्सु अपनी एंजल आई का इस्तेमाल करती है और पूरे दलू कॉन्टिनेंट में टेंशन को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली वो ग्रैंड मास्टर को ढूंढती है, इसके बाद सारे श्रेक डेवल्स को। लेकिन जब टेंशन इन लोगों के पास भी नहीं मिलता है, तब वो स्टार टू फॉरेस्ट को चेक करना स्टार्ट कर देती है, जहां पर हम देखते हैं कि उसे टेंशन मिल जाता है। इधर टेंशन स्टार टू फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए सोचता है कि यह बहुत ही अजीब है कि मैं इतनी देर से यहां पर हूं, पर मुझे कोई भी सोल बिस्ट नहीं मिला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पर्पल डेमन लाइट का इस्तेमाल करके उस जगह को स्कैन करता है, लेकिन वह देखता है कि स्टार टू फॉरेस्ट के जितने भी कमजोर सोलबिस्ट है वो बहुत ही तेजी से किसी से डर करके भाग रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई खतरनाक सोलबिस्ट जमीन के अंदर से इन लोगों का पीछा कर रहा होता है। इस पर हम देखते हैं कि टेंशन को अचानक से कुछ समझ में आता है और वह तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वही हम देखते हैं कि यह सारी सोलबिस्ट अचानक एक जगह पर फंस जाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी पावरफुल सोलबिस्ट की वजह से डर चुके होते हैं। जिसके बाद हमें पहला सोलबिस्ट का सीन दिखाते हैं, वही वो सोल बीस्ट के अंदर से अजीब सा रेड और अब बाहर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और सोल बिस्ट बाहर आता है, जिसे देख करके बाकी सोल बिस्ट डर करके इकट्ठा होने लगते हैं। वही टेंशन भी इन लोगों को ऊपर से खड़े होकर देख रहा होता है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सोल बिस्ट उड़ता हुआ आता है, जो वहाँ पर पहुँचते ही उन सारे सोल बेस्ट में से एक को मार देता है और उनके पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। इधर उसे ऐसा करता देख कर हम देखते हैं कि यह सारे सोल बिस्ट और भी ज्यादा डर जाते हैं। तब टेंशन उन्हें देख करके सोचता है कि एक्चुअल में ये तीनों सोल बिस्ट 2000 एंट्स है, इसकी वजह से सारे सोल बिस्ट डरे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक एंट आगे बढ़कर के किसी को मारने की सोचता है, जिस पर बाकी सोल बिस्ट डर के मारे कांपने लगती हैं। तब टेंशन अचानक से अपना ब्लू सिल्वर एम्परर स्पियर को निकाल करके उस जगह पर फेंकता है। तभी वहाँ पर पहुँच करके उन तीनों एंट्स से कहता है कि क्या तुम लोग इस स्ट्रांग पर्सन से नहीं लड़ना चाहोगे। इधर इस मौके का फायदा उठा करके बाकी के सारे सोल बिस्ट भाग जाते हैं। तब टेंशन अपना सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकलता है और सोचता है कि आखिर में ये बहुत ही अजीब बात है कि यह 3000 एंट ने मिलकर के इस फॉरेस्ट में रूल कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक प्लस बैक दिखाते हैं, जिसमें ग्रैंड मास्टर ने टेंशन को बचपन में बताया था कि 1000 एंट के पास में कोई अपनी सोल स्किल नहीं होती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में इन्हें दूसरे सोल बीस्ट को आसानी से मार करके का जाते हैं, पर ये 1000 एंट डिपेंड करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से इस पर किसी भी अटैक को लॉन्च करना और भी जगह मुश्किल होता है। पर वही यह लोग जितना डिपेंड करने में स्ट्रांग होते हैं, उतना ही यह लोग अटैक करने में भी कमजोर होते हैं। ऊपर से इन लोगों के एक और खास बात है, तभी यह लोग यूनाइट हो करके काम करते हैं तो इन्हें हराना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तब हमारा सीन शिफ्ट हो करके फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर टेंशन को इन तीनों 1000 एंट को देख करके तुरंत ही पता चल जाता है कि यह मेन है, जिसकी वजह से उसे यहाँ कुछ अजीब लगता है। इन तीनों को कोई एंट क्वीन लीड नहीं कर रही है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों ने मिलकर के अपनी क्वीन को ही मार दिया हो, उसके बाद इन तीनों ने उसके पावर को भी अब्सॉर्ब किया होगा, क्योंकि यह लोग भी स्ट्रांग बन सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों के पावर को देख करके टेंशन को अंदाजा हो जाता है कि तीनों सोल बिस्ट सेंचुरी मिलेनियम सोल बेस्ट है। जिसके बाद टेंशन अपनी ब्लू सिल्वर डोमिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ ब्लू सिल्वर प्लांट्स उग जाती है। वही टेंशन अपनी फोर्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करता है और अपनी ब्लू सिल्वर वेब का इस्तेमाल करते हुए तीनों एंट एम्परर को घेरने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में वह तीनों एंट एम्परर को ब्लू सिल्वर वेब से पकड़ लेता है। लेकिन टेंशन को ये बहुत ही अजीब लगता है कि वह तीनों टेंशन के अटैक को डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक उसे अंदाजा होता है कि यह तीनों भी ब्लू सिल्वर वेब की पावर को सेंस कर सकते हैं। तभी अचानक से वो तीनों कुछ करने लगते हैं, जिस पर टेंशन को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि वो उनकी जाल में फंस गया है। और इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।